अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, व्यूवर्स टीच बनाना सही चैनल पर खुश होंगे। व्यूवर्स मैं हूं राणा सिंह। व्यूवर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंक्स, कि हम लिंक्स एचटीएमएल में क्यों क्रिएट करते हैं, लिंक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और लिंक्स का फ़ायदा क्या है। तो लिंक्स जो है बेसिकली हम जो है एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने के लिए, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, या हम किसी ईमेल को जो है ईमेल के लिए, ईमेल को लिंक कराने के लिए, या किसी भी हम किसी वेबसाइट पर या किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन को जो है हम ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। लिंक्स के लिए हम किसी भी वेबसाइट को लिंक करने के लिए हम हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हाइपरलिंक्स हम किस वक्त हम हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम उस वक्त करते हैं जब हमें किसी एक ख़ास या किसी खसूस ख़ास सेक्शन पर जाना होता है, जब हमें किसी ख़ास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाना होता है तो हम उस वक्त जो है हाइपरलिंक्स क्रिएट करते हैं। तो आइए आज हम हाइपरलिंक्स के देखते हैं कि बेसिकली हाइपरलिंक्स जो है कैसे काम करता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ हाइपरलिंक्स के नाम से। हाइपरलिंक्स, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक जो है फाइल हाइपरलिंक्स के नाम से क्रिएट कर लिया है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है लिंक्स को हम ऐड कर सकते हैं, हाइपरलिंक्स को, हाइपरलिंक्स के ज़रिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम जैसे कहते थे, एक तो ये तरीका है, सिंपल है, इस तरीके से हम जो है डॉट ऑफ एचटीएमएल लिखने के बाद हम एचटीएमएल का टैग लगाएंगे, हेड का टैग। अगर इस तरह हम नहीं लिखना चाहते तो हम इसको सिंपल जो है इरेज करेंगे, और ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास मुकम्मल जो है इसका लिखा हुआ हेड आ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल हम इसे टाइटल देते हैं। यहाँ पे क्या है, हाइपरलिंक्स, मैं यहाँ पे हाइपरलिंक्स लिखता हूँ, हाइपरलिंक्स लिखने के बाद मैं बॉडी में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं जो है सिंपल जो है क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ कि हम एक राइटिंग लिंक्स या कोई भी एक लिंक्स है, हाइपरलिंक्स या किसी भी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइटिंग लिंक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे या उसके बाद मैं कोई लिंक यहाँ पे ऐड करवाता हूँ। अब हम लिंक कैसे ऐड करवा सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया का या किसी भी चीज़ का, तो हम यहाँ पे मैं आपको मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं हम जो है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी लिंक को या किसी भी वेबसाइट का, वेब पेज का, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो है हम लिंक देते हैं तो हम सबसे पहले एंकर का टैग क्रिएट करते हैं। एंकर का टैग क्रिएट करने के लिए सिंपल हम ये लिखेंगे, उसके बाद एंकर के टैग में हम जो है लिंक टेक्स्ट देते होते हैं। सिंपल हम लिंक टेक्स्ट दे, मैं यहाँ पे फंस के अगर यूट्यूब का देता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि नेविगेट मी टू YouTube, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये मैंने लिख लिया, अब मैं क्या करता हूँ, इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद सिंपल जो है मैं कॉपी पास्ट करने के बाद सिंपल मैं क्रोम ब्राउज़र में इसे जाके पेस्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ये जो है, ये तो हेडिंग होगी राइटिंग लिख सी, और यहाँ पे नेविगेट मी टू यूट्यूब, लेकिन हम इस पर देखिए कर्सर लेकर आते हैं, कोई जो है
यहाँ पे हैपनिंग्स नहीं बना, ठीक है। तो मैं सिंपल आप दोबारा जाता हूँ और हम इसे हैपनिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जो है हम जो है कोई भी चीज़ है वो हम जैसे हैपनिंग्स क्रिएट करने के लिए हम एंकर के ओपनिंग टैग में जो है हम एचरफ का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे और फिर उसकी वैल्यू देंगे। तो यहाँ सिंपल मैं एचरफ का एट्रीब्यूट्स लिखता हूँ। एचरफ का एट्रीब्यूट्स लिखने में अब यहाँ पे मैं जो है जिस चीज़ को मतलब मैंने यहाँ पे लिंक टेस्ट में लिंक जो है टेक्स्ट में क्या दिया यूट्यूब, तो मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ मैं साफ ज़ाहिर है मैं यूट्यूब का जो है लिंक दूंगा, यूआरएल दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ http://www.youtube.com, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे सिंपल, मैंने यहाँ पे क्या किया एंकर के टैग ओपन किया, एंकर के टैग के ओपनिंग टैग में मैंने एचरफ का एट्रीब्यूट्स बनाया और एचरफ के एट्रीब्यूट्स में जो मैंने वैल्यू दी वो मैंने कौन सी वैल्यू दी, मैंने ये जो है यूट्यूब का जो है यूआरएल दिया, ठीक है, कंप्लीट यूआरएल एब्सोल्यूट यूआरएल दिया, ठीक है, एचटीटीपी उसके बाद www.youtube.com। तो उसके बाद ये क्या, ये लिंक टेस्ट है, ये मुझे कब शो, ये जो है ये नेविगेट मी टू यूट्यूब और ये जो है मुझे जो है ब्राउज़र में नज़र आएगा। और अब हम इसे सेव करते हैं और अब हम देखते हैं कि क्या ये लिंक टेस्ट बना या नहीं। मैं इसके बाद नज़र आ रहा है कि ये हाइपर लिंक जो है क्रिएट हो गया है, मतलब इस नेविगेट मी टू यूट्यूब ये क्या है किस में आ गया, ये अंडरलाइन हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही मैं नेविगेट मी टू यूट्यूब इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो है मुझे यूट्यूब पे ले जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यूट्यूब पे आ चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी सोशल मीडिया को यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ ऐड करवा सकते हैं, अब मैं दोबारा आता हूँ। तो अब मैं एक और एचरफ ऐड करता हूँ, तो वो भी इस तरह मैं कोई भी किसी भी जो है वेबसाइट का जो है अगर मैं यहाँ पे या वेब पेज का या किसी भी जो है सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है उसका भी मैं यहाँ पे क्या है यूआरएल देकर एचरफ के टैग में एट्रीब्यूट्स में यूआरएल देकर मैं इस तरह लिंक करवा सकता हूँ। तो आई होप व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।